कितनी होती है इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी की सैलरी, मिलते हैं ये ढेर सारी सुविधाएं। इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक राकेश पाल का निधन रविवार को हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जान दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई। राकेश पाल इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल थे, 25वें महानिदेशक थे। लेकिन क्या आप जानते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी को कितनी सैलरी और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? उत्तर प्रदेश के मूल निवासी राकेश पाल भारतीय नौसेना अकेडमी के पूर्व छात्र हैं। वे जनवरी 1979 से भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए। जुलाई 2023 में उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इससे पूर्व उन्होंने तटरक्षक बल के विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया। डीजी राकेश पाल ने आईसीजी जहाजों की विभिन्न श्रेणियों की कमान संभाली, जिसमें ICGAS समर्थ, विजित, सुचेता, कृपलानी, ये सभी शामिल हैं। गुजरात में ओखा और वीडिनार जैसे तटरक्षक ठिकानों की भी कमान संभाली थी। इंडियन कोस्ट गार्ड का काम देश की समुद्र सीमाओं की निगरानी और रक्षा करना है। कोस्ट गार्ड तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए समुद्र सीमा की निगरानी करता है। हर साल कोस्ट गार्ड की संख्या में भर्ती होती है, जिनके लिए 10वीं पास भी अप्लाई करते हैं। वहीं कोस्ट गार्ड में सबसे बड़ी पोस्ट की बात करें तो वह डायरेक्टर जनरल की होती है। महानिदेशक एक 3-स्टार रैंक के अफसर होते हैं। बात की जाए डीजी पद की, भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल, थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल और एयर फोर्स में एयर मार्शल रैंक के बराबर होते हैं।